सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों के डाउट्स के बारे में। जैसे कि हम जब वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अपने डाउट्स को लेकर, और उस पर हमें कमेंट को उनको जवाब देते देते बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन में नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें तो हर चीज़ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है। और वो लोग अगर इसे कंप्लीट देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ देखिए, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर उसका कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं तो उससे आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलती है। क्योंकि उसमें होता यह है कि कमेंट में बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम हमें भी कई बार आई है। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो आपको कमेंट पढ़ के मैं आपको उसका अपडेट देने की कोशिश करूँगा कि उसका क्या सलूशन है। सबसे पहला हमारा कमेंट अभी हाल फिलहाल में है मोहम्मद रमजान जी की तरफ से। इनका कहना है कि भाई, फ्लैशिंग करने से सेट डेड क्यों होता है, और सेम मॉडल की भी फाइल लगाएं तो भी कुछ कुछ सेट ऐसे होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं। तो इस पर उन्हें रिप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लैशिंग फाइल से हमारा फ़ोन डेड होने का कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोन है, उसका पोर्ट वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं है, और पोर्ट में कोई दिक्कत है, और आपने कनेक्टिंग किया, कनेक्ट तो हो गया फ़ोन, और कुछ फ्लैशिंग के बाद हिल गया, या फिर कुछ भी छोटी मोटी एरर आ गई जिससे कि कनेक्शन टूट गया बीच से, तो आपका सेट जो है डेड होने का चांस रहता है। हालांकि ऐसे भी होता नहीं है, बहुत कम चांस है ऐसा में सेट डेड होने का, लेकिन रहता है रिस्क, तो 100 में से कई बार एक बार हो भी सकता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लैश फाइल, सबसे मेन रीज़न तो ये होता है कि आप लोग जो फ्लैश फाइल लोड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी फाइलें आ रही हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आपको देखिए आ रहा है रिपेयर माई मोबाइल की, दूसरे नंबर पे आ रहा है GSM माफिया की। तो इन ये दो चार साइटें ऐसी हैं जो कि एकदम ट्रस्टेड है, इनके अगर फ्लैश फाइल आप लोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहली बात, कोई इस पर कोई भी आपको एरर नहीं आने वाला है, और 100% जेन्युइन फाइलें होती हैं। अगर इनके फाइल से डेड हो रहा है तो हो सकता है कि आप में कोई ना कोई एरर ज़रूर है कंप्यूटर में, या तो आपकी किसी मतलब आपके जैसे कंप्यूटर में जो मैंने पहले बताया कि आपका डाटा केबल वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका पोर्ट सही नहीं है, तो ये दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज फाइल की दिक्कत इनके फाइल से नहीं आती है, लेकिन कई सारी ऐसी फाइलें होती हैं गूगल पे जो कि ट्रस्टेड नहीं होती हैं, और उस पे जैसे फाइल तो डाल दी गई है होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पूरी फ्लैश फाइल बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें सिस्टम होता है, बूट फाइल होता है, रिकवरी फाइल होता है, तो इसमें से कई सारी फाइलें होती हैं, कस्ट फाइल उसमें होती है मीडिया टेक में, तो ऐसे टाइप की बहुत सारी फाइलें होती हैं जिसमें से कुछ फाइलें होती हैं जो कि वो मिसिंग होती हैं, वो लोग नहीं डाल पाते हैं, तो एक कंप्लीट फ्लैश फाइल नहीं बनती है। और हम जब लेते हैं तो उसकी चिपसेट तो उसे डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ हमारी फाइल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ फाइलें मिसिंग होने की वजह से हमारा जो सेट है वो डेड हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी होता है, बाकी इसके अलावा कोई और रीज़न तो नहीं होता है। तो अगला हमारा जो कमेंट है वो है, सर नंबर दीजिए, सर ऑनलाइन लॉकिंग कराएंगे। सर मैं आप, ये हैं हमारे प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को मतलब अनलॉकिंग के लिए तो हम नंबर दे सकते हैं, आप इंस्टा पे आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर खुद से अनलॉकिंग करना चाहें तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए, अनलॉकिंग जब मैं शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, किससे सीखूँ, क्या करूँ, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन अभी के डेट में कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं लगता है। तो आप अगर खुद से करना मन में सोच रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। एक अनलॉकिंग टूल खरीदने में एक बार मोटा पैसा लगता है, लेकिन साल भर में आपके पास अगर कितना भी कम कस्टमर आ रहे हैं तो आप उसका पैसा वसूल लोगे, मैं इस चीज़ की तो गारंटी दे रहा हूँ। तो आप लोग खुद से करिए, कोई भी एक टूल परचेज कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे फ्री भी टूल आजकल आ रहे हैं, उनसे भी यूज कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना के डाला भी हुआ भी है, वो 100% वर्किंग नहीं रहते, बस कुछ वर्किंग उसमें रहता है, तो आप लोग परचेज करके उसे काम कर सकते हैं। तो आप लोगों से अनलॉकिंग अगर ऑनलाइन कराने से ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से करिए। और ऐसा मत सोचिए कि आप खुद से करेंगे तो फ़ोन कहीं डेड हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसका तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फ़ोन आप खुद से करेंगे तो डेड नहीं होने वाला है। अनलॉकिंग टूल ऐसे नहीं है कि फ़ोन को डेड कर देते हैं, एक सिर्फ एक मतलब वो है अनलॉकिंग, जैसे अभी वीवो का नया अपडेट आया है तो क्वालकॉम सीपीयू के किसी किसी फ़ोन में बाई मिस्टेकली ऐसा हो जाता है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपके मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अच्छे खासे जानकार होंगे, उनसे थोड़ी सी हेल्प लेके आप उसको अनलॉकिंग ठीक करा के दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और जब तक आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं तब तक उसका सलूशन निकलेगा नहीं, और जब प्रॉब्लम में फंसने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कहाँ से समझ में आएगा किसी चीज़ के बारे में। तो प्रॉब्लम में जब तक हम उलझते नहीं है तब तक उसके बारे में हम जानने की
कोशिश नहीं करते, यानी कि कुल मिला जुला के मैं कहूँ तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, तो कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है कमेंट करिए, मैं यहाँ पे पूरी कमेंट का जवाब देता हूँ, और जो कमेंट अभी बहुत ज़्यादा आ गया है इसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि पूरे कमेंट को मैं वीडियो में कवर करता हूँ, लेकिन एक भी कमेंट मिस नहीं होने देता हूँ। तो आप लोग की पूरी मदद करूँगा, जितने भी लोग नए हैं आप लोग पूरी तरह से टेंशन फ्री रहिए और आप खुद से अनलॉकिंग करना शुरू करिए, जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा हम नॉलेजफुल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं नॉलेज की ज़रूरत है, आप लोग नॉलेज लीजिए और बढ़िए आगे। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे अभिषेक कम्युनिकेशन है, इन्होंने लिखा है भाई कोई भाई प्रॉब्लम में हो तो कमेंट करके पूछ लेना। पता नहीं कि किसको पूछने के लिए बोल रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से कमेंट करके इनसे पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। सर मुझे ये बताइए कोई वीवो कंपनी ने जो सिक्योरिटी अपडेट किया है वो कंपनी का उसमें क्या फ़ायदा है? ये हमारे फेमस क्रिकेटर करके है कोई, इन्होंने कमेंट किया है कि मतलब ये बताइए जो वीवो की अभी नई सिक्योरिटी अपडेट आई है जिससे बहुत सारे फ़ोन डेड हो जा रहे हैं, तो उससे इस कंपनी को क्या फ़ायदा है? तो इनको मैंने थोड़ा बहुत जवाब दिया है, लेकिन मैं इनसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि ये कंपनियां अपडेट क्यों करती हैं, आपको पता होगा कि एप्पल कंपनी का अपना खुद का लोग फ़ोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो महंगा है, ब्रांड है, वो तो अलग मैटर है, साथ में कुछ कुछ उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसके वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में अगर फ़ोन अपने आप को तगड़ा बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने सिक्योरिटी को अच्छा कर रहा है, और सिक्योरिटी जब अच्छी होगी तभी तो जाके वो फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में चलेगा, पसनेगा। तो कंपनी अपने सिक्योरिटी को इसीलिए अपडेट करती है ताकि उनको बहुत अच्छे से कस्टमर को पसंद आए और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, और कंपनी किसी में तो फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ोन बिकेगा तो फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक जन लिखे हैं Y69 में वेब सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर एक्चुअली देखिए ये जो अपडेट हम लोग बनाते हैं जितने भी FRP का, तो ये समय के साथ अपडेट होती रहती है, और कुछ कुछ चीज़ें कंपनियाँ जैसे जैसे अपने आप को अपडेट करती है वैसे वैसे कुछ ऑप्शन हटते जाते हैं। तो ये जिस समय का वीडियो है, आप लोग कभी भी FRP का वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कभी भी आप FRP का वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो चाहे किसी भी भाई का हो, तो आप लोग कभी भी उनके वीडियो को जो लेटेस्ट वाली है उसको देखिए, क्योंकि लेटेस्ट वाली वीडियो ही आपके फ़ोन में वर्क करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी जब अपडेट हो जाता है तो लेटेस्ट वाला ही वर्क करता है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपना फ़ोन अपडेट नहीं कर पाता है तो पुराना वाला वर्क कर जाता है तो काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप लेटेस्ट जो वीडियो होती है जो एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने पुरानी होती है उनको देखेंगे तो आपका ही तभी फ़ोन 100% अनलॉकिंग होगा और ये दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बस हमारा यही कुछ कमेंट था जिसका हमने जवाब देने का कोशिश किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी कमेंट मैंने बताए हैं वो उनका जवाब देना थोड़ा सा ज़रूरी था, और बाकी जो कमेंट है उसका मैंने कमेंट में ही लिख के उनको जवाब दे दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।